आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू जी के निर्देशन पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उमेश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राणा अजय सिंह की संतुति पर मथुरा में महिला शक्ति की जिला अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष योगी ठाकुर द्वारा मनोनयन पत्र दिया गया, जिसमें उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर रजनी सिंह ने कहा कि वो हमेशा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहेंगी और संगठन के माध्यम से उनकी आवाज को उठाती रहेंगी। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री योगी ठाकुर जी ने कहा कि करणी सेना का विस्तार पूरे भारत में हो रहा है। करणी सेना एक सामाजिक संगठन है जो समाज में हर वर्ग की समस्याओं को उठाने का कार्य करती है। क्या नाम है आप? राजकुमारी सिंह, मेरा नाम है। राजकुमारी जी, बताएं आज आपने किस पद का ग्रहण किया है? आज मैं करणी सेना उत्तर प्रदेश की जिला अध्यक्ष महिला शक्ति मथुरा का पद ग्रहण किया हुआ। इसमें और बेसिकली इसमें जो महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, जिस फील्ड से भी रिलेटेड है उनका हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले भी आप किसी संस्था से जुड़ी हुई थी? जी, मैं एक्चुअली में सोशल वर्कर हूँ और आज मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मुझे करने से ना अवसर मिला हुआ है, तो इसके माध्यम से मैं और बेटर कर पाऊँगी अपना जो आगे का वर्क है लेडीजों के लिए और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है ये वर्क। जी राजकुमारी जी, बताएं कि इस तरीके से आपके मन में ये कब से ऐसी भावनाएं थी जो समाज सेवा के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से या तमाम संगठनों के माध्यम से इस तरीके से ये कब से आपके अंदर जागृता हुई और ऐसी क्या जागृता हुई कि आप इस तरीके से मैदान में उतरी हुई? बेसिकली मैं सोशल वर्क काफ़ी टाइम से करती थी लेकिन एक्चुअली मैं आज के सोशल उसको समाज को देख के मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि पहले तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और आप ये बेहतर जानते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, जो एक इंसान बोलता है तो कोई समझ नहीं पाता है, जब उसे संगठन एक प्लेटफॉर्म तरीके से अच्छा मिलता है तो उसे बेटर काम होता है। एक लोग की कोई सुनेगा नहीं लेकिन उसी काम को जब मेजोरिटी में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर सुनेंगे तो होता है। तो वही हमारी करणी सेना में है कि हम लोग सभी वर्ग के लिए, पुरुष हो या महिला हो, जो भी सामाजिक हैं उन मुद्दों को उठाकर उनके बेहतर के लिए हम काम करना चाहेंगे। अच्छा मैडम, महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा इसमें? महिलाओं के लिए एक्चुअली में जो भी शिक्षा है, आपकी शिक्षा है, बेरोजगारी है और जो भी घरेलू हिंसा होती है, रेप है, जो भी इसमें आती है वो सारा ही इसके अंदर देखा जाएगा। मथुरा में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लाशें बरामद हो रही हैं अज्ञात रूप में, खास करके महिलाओं की, कभी किसी की आंखें निकली हुई मिलती हैं, तो इस पे आपका क्या कदम रहेगा? और मथुरा के नए SSP आए हुए हैं तो क्या क्या कुछ रहेगा? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस है सरकारी स्तर से नहीं देखता है तो हमारा जो संगठन है वो अपने हिसाब से इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना कृत्य है और ये आजकल बहुत हो रहा है। महिला जागरूक तो है अपने मतलब अधिकारों के प्रति लेकिन उनका पूरी तरह से उनको नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग यही चाहेंगे, हम सब लोग हैं इसमें, कि उनके वेलफेयर के लिए करें और जो भी मुद्दा है उसे दिखाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।